राजस्थान विश्वविद्यालय के गांधी अध्ययन केंद्र में मानव अधिकारों की आधारभूत संकल्पना एवं गांधी दर्शन विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के जीवन पर और उनके दर्शन को मानवाधिकारों की दृष्टि से रेखांकित किया गया। इग्नू के प्रोफेसर अमरजीत सिंह और साथ ही मानवाधिकार आयोग के पूर्व सदस्य एम के देवराजन ने महात्मा गांधी के जीवन दर्शन के मानवाधिकारों के बारे में सभी को विस्तार से बताया और कार्यक्रम की अध्यक्षता जस्टिस जे के रांका ने की। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष पूरे देश भर में नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में हमने महात्मा गांधी का जो जीवन और दर्शन है उसको मानवाधिकारों की दृष्टि से यहाँ पर रेखांकित करने के लिए विद्यार्थियों के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। अगर गांधी जी के पूरे जीवन और दर्शन को देखा जाए तो उन्होंने मानव के अधिकारों के निमित्त, उनके पास सब कुछ था लेकिन सब कुछ उन्होंने त्याग करके एक आम जन को, आम व्यक्ति के उन अधिकारों की, जिनको हम फंडामेंटल राइट्स के थ्रू, मूल अधिकारों के थ्रू या राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, आर्थिक अधिकारों, जो भी हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, जो वंचित और तबका है उनको उस समय मूलाधिकार, मूल ये नहीं होते थे मानवाधिकार, उन मानवाधिकारों की संकल्पना को उन्होंने अपने पूरे दर्शन के अंदर प्रवाहित कर रखा था। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।